नमस्कार आज रोकठोक को स्वागत कर प्रदीप्त आज आम आलोचना करवा लोकों समस्या विषय साधारण लोक जो मैंने टिकस दौंट ठीक समय रे बिल पैठ करु सेवा पाना बिजुली सेवा बा विद्युत सेवारु सेमाने वंचित होती जेतेबेले डहडह खरारे लोक मैंने डहल विकल होती सेतेबेले घंटा घंटा बिजुली काट होउची राति राति बिजुली चली जाउची एवं लोक मैंने सेमती गरम रे अंधार रे छटपट होउचंती किंतु सरकार जी शक्ति मंत्री अछंती विभाग मंत्री अछंती से कहउचंती पावर कट हेउनी पावर ट्रिप होउची झड़ बात्या आसिले आमे पावर काटिबा को लाइन काटिबा को बाध्य होबू एमती विभिन्न कथा से कहउचंती तेणु आज आमर टॉपिक रो ना रही गाँ गाँ रे बिजुली ताती आपण देखुथिबे जे प्रति गाँ प्रति अंचल प्रति सहर रे वर्तमान विक्षोभ प्रतिवाद बढ़िबार लागिछि विरोधी दल माने विशेषकर बीजेपी दुई दिन धरिकी गत काली एवं आज विभिन्न अंचल रे ताहा कोरापुट हो केन्दुझर हो बालेश्वर हो बलांगीर हो विभिन्न जिले में प्रतिवाद करी लगातार भावे एवं टाटा पावर ऑफिस जोठी भी अच्छी घेराव कर सरकार को जवाब मागुचे आमे जिते बड़े टिकस दौचु आमे जिते बड़े बिजुली बिल दौचु आमको सेवा कहीं ठीक समय मिलूने आम आलोचना आगे को नवा आम सहित अतिथि मैंने उपस्थित रोचान आम सहित उपस्थित अच्छा कांग्रेस नेत्री तथा ए आई सी सी सदस्य श्रीमती मीनाक्षी त्रिपाठी नवरंगपुर आम सहित जोड़ी होती प्रथम आलोचना ही आरंभ करने चाहिए मैडम आपण अंचल भी पावर कट हो लाइन जाऊँ तो निजे भुक्तभोगी निजे अनेक थर देखि थे कि मंत्री कथा आसूची जे उत्तरदायित्व जे उत्तरदायी यही पावर कट को नहीं कि जे उत्तर देवा कथा सी कौन जे पावर कट हो किंतु सीए जो सभा जाकि बसुंच से भी लाइन कटि जाऊँगी महामहिम राष्ट्रपति आसिक गोटे कार्यक्रम जोग दौंज अंचल निज जिले से भी लाइन कटि जात आज्ञा पावर कट समस्या आम राज्य रही हुए तो जहाँ सरकार को घोषणा जे आम पावर सरप्लस राज्य विजुली बड़का राज्य तथापि यह समस्या कहीं आज्ञा आपको कौन लगुच प्रथम तो मुझे आरंभ करी निज मंतव्य दवा जे मते जेते माठुचु माठे मुझसे दरपड़ा काठे ए सरकार को आपण जिते चतेवाई चेष्टा करूँ जे से राज्य रे जनसाधारण को भाग को भाव उत्पीड़न हो भाव शोषित होती अंधमुक आउ बधिर सरकार साजी सारी वर्तमान आपण जानते ओडिशा रे सात गोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन अच्छी आमर जोठ कि अपर माने नदी गुड़ा गुरु इलेक्ट्रिसिटी बाहर करके ओडिशा राज्य रे बंटन करा जे सेथि मध्यरु चारि गोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट आम अनडिवाइडेड कोरापुट रे अछि अपर इंद्रावती अपर कोलाब माचकुंड डुडुमा जोटा आ गोटे बालीमेला ए चारिटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर थाई कि मध्ये स्टेशन थाई कि मध्ये आम पाखे आपण पावर कट कथा कहउचंती आपण आपण पावर ड्रॉप कथा कहउचंती मो राज्य रे मो मो राज्य रो मो अनडिवाइडेड कोरापुट रो गरीब आदिवासी कृषक मान को घरे विद्युत नाही आपण जानिचंती नवरंगपुर जिल्ला रो 363 गां को वर्तमान पर्यंत इलेक्ट्रिसिटी पाई पार नांती लोक 19206 घर वर्तमान पर्यंत डिबिरी डिबिरी लाइट लंठन मोहम्मती रे निज परिवार पोषण करचंती जो माने दिनभर जमीन खटिक आमको खाद्य दौंट जो माने ओडिशा सरकार रो कृषक कृषि प्रधान जिला आमे से घर आप विद्युत पहुंचे पारना ये ओडिशा सरकार आपण तांको मंत्री ठू कौन आशा रखिबे आ जो मंत्री कहले जे ओडिशा सरकार जो दावा 100% इलेक्ट्रिफाइड कर देछु सब गां को बिजुली पहुंचाई देछु ए दाबी सरकार करचंती विधानसभा रे मध्य एई तथ्य उपस्थापन करचंती विभिन्न समय रे जे जे भी शक्ति मंत्री रहिचंती तो तार आमको प्रमाण दिंतु तथ्य दिंतु आम तथ्य दबू है से काम गुड़ाक सरकार जो एक कहते से प्रत्येक घर को इलेक्ट्रिक फाइट कर देन सरकार आमको देखा दो आम सरकार को तथ्य दबू जे से घर गुड़ाक इलेक्ट्रिफाइड है ना आपड़ जो कथा कहले ओडिशा गोटे सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी स्टेट जोठी की इलेक्ट्रिसिटी भरपूर मात्रा रे अच्छी एवं विपुल मात्रा रे अच्छी तबे पावर कट पावर ड्रॉप विद्युत रे जो बांटी बारे जो लोक पहुंची पा ना कौन पे
कौन सरकार मधुचंद्रिका चल कौन सरकार अन्य राज्य गुड़ी को टंकाटा को दी टंका करके इलेक्ट्रिसिटी एटा भी गोटे बड़ प्रश्न जे जदि हमें पावर सरप्लस राज्य एवं जदि हमें आवश्यकता ठारु अधिक बिजुली उत्पादन करुचंती से बिजुली जाउची कुआडे सरकार बिक्री करुचंती कि ना सरकार अन्य कौन से उपाय रे ताकु खर्च करुचंती से आपन को बागु फेरबी मैडम अटकाय पे चाहिबी हम सहित बीजेडी राज्य संपादक मध्य कटकरु मोहम्मद शकील उपस्थित रहिचंती ताकर मतमा दवा पे आज्ञा आपन तो वर्तमान आपन को दल सरकार रे अछि एवं निये निजे जी शक्ति मंत्री प्रताप देव सी मध्य जड़े पावरफुल नेता किंतु दायित्व थिबा शक्ति विभाग कहीं पावरलेस आज्ञा ये कहीं प्रतिदिन पावर कट होतीदिन लाइन एवं प्रतिवाद मध्य वर्तमान समग्र राज्य है तथापि मंत्री कहते जिते बड़े गणमाम प्रतिक्रिया रखुच्च पावर कट होवर कट शब्द आपतुना कौन कह निश्चित भाव अर्गस न्यूज आज गोटे भल टपिक आपण वितर्क रखी से आपन को साधुवाद जनाऊँ ओडिशा लोक जानवा दरकार 2000 मसीह विजु जनता दल क्षमता को आसला परे नवीन पटनायक नेतृत्व ओडिशा रे वर्तमान आम विद्युत बड़का राज्य भाव में भारत वर्ष रे परिगणित होमें सरप्लस राज्य प्रबल खरा समय जो विद्युत काट निश्चित भाव किसी लोक बाधुची लोक हंतसंत कथा हूँ आपण देखु मसीहा बात्या मसीहा बात्या स्थित कौन होता 2000 मसीह नवीन पटनायक आसला जो भली भाव कार्य करागला विद्युत खुंट गुड़ाक उपुड़ी पड़ा से निश्चित तो विद्युत विभ्राट देखा दबो ताकू तुरंत पदक्षेप नहीं अतीत को जीवा ना उन्नीस मसीह कथा आपंट पखापाखि 22-23 वर्ष तलर कथा से तो बीजेडी सरकार को आसी जस्ट प्रवेश कर 23 वर्ष रही सारे आज्ञा या भितर अनेक बात्या आसला सरकार विभिन्न समय कहते आम बात्या प्रतिरोधी खुंट बसौ हाई क्वालिटी तार लगौ हाई पावर रो ट्रांसफर्मर लगौ तथापि आज्ञा बिजुली काट हो यार उत्तर रखु निश्चित भाव आपण जो कहले केवल केवल महावात्या नुह आपणकर फनी बात्या आसी हुड़हुड़ बात्या आसी ओडिशा सबुबले विपर्ययर सम्मुखीन होते बड़े बात्या आसे आपण जानी प्रबल बेगर पवन बोहिले आपणकर विद्युत खुंट उपुड़ आपणकर तार छिंडीजीव से राज्य सरकार कटक सहर में 200 कोटी टंका विनियोगरे वर्तमान बात्या को सम्मुखीन अंडरग्राउंड केबुल काम आरंभ खाली हिसाब कटक भुवनेश्वर एवं पुरी एठी अंडरग्राउंड केबलिंग काम किछि जगार सरी जाइछि सरकार विधानसभा उत्तर रखुचंती किछि जगार पुरी रे एबे भी काम चली कहुचंती हजार हजार कोटी टंका खर्च होइछि आज्ञा ए अंडरग्राउंड केबलिंग काम रे केवल भुवनेश्वर रे पखापाखि 2000 कोटी टंका रो उद्धार खर्च होइछि किंतु एठी भुवनेश्वर रे सामान्य काल बैसाखी जेतेबेले होउछि लाइन कटि जाउछि निजे मुख्य शासन सचिव बाध्य होइकि लेखुचंती जे यदि काल बैसाखी रे एभळी स्थिति तबे बात्या हेले कोन परिस्थिति हेबो आज्ञा आपण फेरी भी किंतु वर्तमान मुझे जाए चाहिए श्रीयुक्त तेजस्वर परिडा आज्ञा मतामत ने भी आपंकर तेजस्वर परिडा सहित अच्छा बीजेपी मुखपात्र केन्द्रापड़ आम सहित लगातार भाव उपस्थित अच्छा श्रीयुक्त परिडा आपको स्वागत करने चाहिए ये आज्ञा दुई तीन टी कथा गोटे हूँ पावर कट हो पावर कट हो तृतीय कथा हूँ आम पाखे भित्तिभूमि कौन अच्छी सरकार यही 23 वर्ष भितर पावर को पावर सेक्टर को सुदृढ़ करने कौन कर कौन लगुच बेस किसी आपन को प्रश्न पचार भी नहीं पावर कट हो कि ना ये कहतु देखु देखु आज्ञा शक्ति मंत्री श्रीयुक्त प्रताप जेना शक्ति मंत्री प्रताप देव एवं तांकर जो एंटायर टीम माने विजु जनता दल जो मुखपात्र टीम एवं विजु जनता दल तांकर शब्द संयोजना को मुटिके सलाम करूछि शब्द संयोजना एमिति करूछंती पावर कट पावर डिसरप्शन विभिन्न कथा जो कहउछंती मु केवल एतिक कथा कहबाकू चाहिबी
କଣ ଲାଭ ସେ ବଳକା ରାଜ୍ୟ କହିକି କି ଗର୍ବ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କହିକି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପାୱାର ସରପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କଣ କାହିଁକି ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କହିକି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବଳକା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ପବନ ହେଇଗଲେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ 18 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ବିଦ୍ୟୁତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋରି ଜିଲ୍ଲାର ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ ତାଙ୍କରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଗତକାଲି ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ତେଣ୍ଡାକୁଡ଼ାରେ ଆଜି ଆମ କଟେଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ କିଛି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ନଥିଲା କିଛି ନଥିଲା ଅଘୋଷିତ ପାୱାର କଟ ମାତ୍ର 6-7 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 11 ଥର କାହିଁକି ହେଲା ଆପଣ ଶବ୍ଦ କହିପାରନ୍ତି ପାୱାର କଟ ପାୱାର ଡିସ୍ରପ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିକି କହିଦଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ବଳକା ରାଜ୍ୟ କଣ କାହିଁକି ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବୁ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କାହା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଆମ ପାଖରେ ତ ବିଦ୍ୟୁତ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 24 ଥର ପାୱାର ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆମ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନାହିଁ ଆମ ଛୋଟ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛି ଆମ ରୋଗୀ କାନ୍ଦୁଛି ଆମ ମା ଟିଏ କାନ୍ଦୁଛି ଆମ ପିଲା ରଜ କଣ ପାଳିବେ ଆଜି ମାନେ ଛାତ ଉପରେ ପଡିକି ରହିଛନ୍ତି ଟିକେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଖାଲି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଖାଲି ବଳକା ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁନାହାନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସିଏ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଯେ 20,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏହି ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ୟାର ଜବାବ ବି ଏବେ ସାଧାରଣ ଜନତା ମାଗିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉତ୍ତର ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି 1999 ମହାବାତ୍ୟା ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଡିଜାଷ୍ଟର ରିସିଲିଏଣ୍ଟ ପାୱାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆପଣ କଣ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିଛନ୍ତି ନା ପୁରୀରେ କରିଛନ୍ତି ନା କଟକରେ କରିଛନ୍ତି କୋଉଠି କରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସାରା କୋଉଠି କରିନାହାନ୍ତି ଏତେ ବାତ୍ୟା ଏତେ ହେଉଛି କିଛି ଆପଣ ଯଦି ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସାମାନ୍ୟ ଝଡ଼ଟାକୁ ଆପଣ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି 10 ଦିନ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ସବୁ କରିଦେଇଛୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେଇଛୁ ସତ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କ୍ୟାପାସିଟି ବଢ଼ାଯାଇ ନାହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଡିକିରି ଆଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଅଫିସରେ ପଡିକି ରହୁଛି ଆପଣ ତ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେଣି ଆମେ ଜବାବ ବି ନେବା ତାର ଜବାବ ନେବା ଆମ ସହିତ ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବାବ ନେବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହମ୍ମଦ ସକିଲ ଯାହା ତେଜେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଶ୍ରୀମତୀ ମନୀଷା ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ଆମେ ପାୱାର ସରପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ କାହିଁକି ଗର୍ବ କରିବା ଯଦି ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ବିଜୁଳି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେମାନେ ପାୱାର ପାଇବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମେ ପାୱାର ସରପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି ଗର୍ବ କରିବୁ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ 1999 ପରଠାରୁ ଅନେକ କିଛି ଯେଉଁ ନବୀକରଣ କରାଯାଇଛି ଅନେକ କିଛି ସୁଧାର ଆସିଛି ସବୁ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଏତେ ଖରାପ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖରାପ ବୋଲି ବିରୋଧୀ କେବଳ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପରିଡ଼ା ବାବୁ କହିଲେ କି ଆମ ଘର ଆପଣଙ୍କ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ବି କହିଲେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ସିଏ ବି କହିଲେ ଏମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁଳି ବିଭ୍ରାଟ ହଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ କାଲି କହିଛନ୍ତି କି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2000 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା ଆପଣ 4 ଦିନ 4 ଘଣ୍ଟା ଘୋଷିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କରାଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହଉ ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିସାରିଛନ୍ତି
विद्युत काट होनी है क्या? विद्युत काट हो? अरे क्या आश्चर्य का बात है, विद्युत काट हो नहीं, किंतु जो शक्ति मंत्री बोली सभा को जाई थिले बहानगा ट्रेन ट्रेजेडी रे जो मुति सभा होतला सेठी के जाई थिले निजे सेठी बसी थिले रिकॉर्डिंग अछि आ गया से कहउछन जे लाइन कटी गला जनरेटर नाही कि मैं सीधा वर्तमान जीवा मनीषा मैडम को पाखु को कारण बीजेडी साधारण संपादक जहाँ अभियोग कले जे कांग्रेस जेतेबेले सरकार रे थिला से समय रे 4 घंटा लखा घोषित पावर कट होतला मनीषा मैडम जहाँ श्रीजुक्त मोहम्मद सकिल कहिले जे एबे पावर कट होउ नै कांग्रेस समय रे सेतेबेले घोषित पावर कट होतला 4 घंटा लखा किंतु एबे पावर कट जमा होउ नै से आज्ञा आज्ञा मु मु तार उत्तर रखिया पे से कहिबा समय रे ही तांको उत्तर देबा पे चाहुतली आज्ञा आज्ञा जे सार बोधे तांको निज मंत्री तांको निज विधानसभा तांको विधायक तांको दल सहित जोड़ित नहांती संपृक्त नहांती एवं से जानी नहांती तांको शक्ति मंत्री तांको सरकार को शक्ति मंत्री निजे विधानसभा रे कथा ग्रहण करिसंती से कहिसंती जे विद्युत रे व्यापक विभ्राट देखा देउछि एक कथा निजे शक्ति मंत्री ग्रहण करिसंती हालांकि एटा अलग कथा जे हाथी के देखाने के दांत अलग खाने के दांत अलग से विषय किसी काम करना इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है कड़े जाऊँ से तार उत्तर रखी ना कि निजे शक्ति मंत्री ग्रहण करता राज्य विद्युत देवार विभ्राट देखा देखिए प्रथम कथा द्वितीय कथा मुझे कहना चाहे 20,000 crore टंकार भित्तिभूमि 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 कहते सरकार नेता कि कहीं भित्तिभूमि आपंतु मो गाँ को 4-4 घंटार इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक पावर कट कथ मो शाशुघर गाँव में 4-4 दिन पर्यंत गरीब लोक करेन्ट मिलूनी 4-4 दिन पर्यंत लोक निज फोन निज करेन्ट को चार्ज बसे लोक व्याकुल कौन 4-4 घंटा कथा कहते कौन इलेक्ट्रिसिटी पाइबा कथा कहते दिन दिन तमाम करेन्ट रोनी अर्गस कैमेरार लाइट रे बस की कथा मो गाँव में करेन्ट ना मो जिले में करेन्ट ना सदर महकुमा विद्युत काट होता सरकार गोटे खेल गोटे प्रपंच जो द्वारा कि से निजर सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी को अन्य राज्य को बिकुचंदी सांघातिक अभियोग जे सरप्लस बिजुली आसुची ताकू सरकार अन्य राज्य को चढ़ा दर में बिकुचंदी निहाती भाव एटा मध्य सांघातिक अभियोग मुझे श्रीजुक्त पिडा पाखक जावाई चाहे श्रीजुक्त पिडा ये दुईटी कथ आसुची जहाँ शासक दल नेता कहते जे पावर कट आउ हो कांग्रेस समय रोला 1999 पर पूरा सब सुधरी जाए पावर कट हो प्रकृत के सता नहीं देखंतु मु तो आज गोटे भिन्न कथा शुणिली किसी विद्युत इंजीनियर मान से शुणिली विभिन्न राज्य विभिन्न जगार आलोचना करें जेहेतु आज आंदोलन में आम बसलु से कहवा कथा हूँ इंजीनियर मान को ग्राउंड में कह जाऊँगी टाटा पावर तरफ तुम्हें जदि केमी कौन बाहाना देखी काटिद मानते पावर कट कर विद्युत तुम्हें बंचे लोक हईरा हूँ लोक जलीपोड़ी मरतु जहाँ लोक जिते हईरा हूँ छोट छुआ कांदु कौन हो आम तुमको इनसेव दबु अर्थात मनीषा जो कथा कहते मुझे कथा निश्चित भाव में ये ए संदेहटा अमूलक नुहे कथा लोक एवं आलोचना करुछंती द्वितीय कथा होची एमानकर इन्वर्टर कंपनी मानक लाच नौ इंजीनियर ठू आरंभ करके ऑफिसर पर्यंत टाटा पावर सीधा सड़क विजु जनता दल को लाच दौर इलेक्शन पैसा दौरान विजु जनता दल फंडिंग करुची टाटा पावर टाटा पावर वर्तमान इलेक्ट टाटा पावर किए टाटा पावर हूँ गोटे सप्लायर टाटा पावर केवल गोटे ट्रांसमिशन राम सी जो जो देखिबो किंतु तार मालिक हूँ सरकार टाटा पावर हाथ में सबकि टाटा पावर वितरक वितरण व्यवस्था बुझे किंतु एमिति बिक्री हो जाती राज्य सरकार टाटा पावर र दलाल साजिंट शेष प्रतिक्रिया चाहिए कारण बड़ अभियोग आसला श्रीयुक्त मोहम्मद सकिल आपण जवाब जाना चाहिए जहाँ श्रीमती मनीषा कहते श्रीजुक्त पिडा कहले दुईट कथा सरप्लस बिजुली की सरकार बिक्री कर दौंती चढ़ा दर में श्रीजुक्त पिडा अभियोग आज लोक पछ हईरा हूँ लाइन काट टाटा पावर ऑफिसर मान को अधिकारी मान को निर्देश दि जाऊँगी से फंडिंग बीजेडी को मिलूँ एमती सांघातिक अभियोग आज्ञा कर कौन जवाब रखिए बाबू जहाँ अभियोग राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित राजनीति सबु क्षेत्र में कराए ना परिडा बाबू जानवा दरकार मध्यप्रदेश डबल इंजिन सरकार अच्छी आपन विभिन्न मीडिया वर्तमान देखु थे
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଦଶ ଦିନ କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ପାଖାପାଖି ବିଜୁଳି ସେଠି ରହୁନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାୱାର କଟ୍ ହବ ବାତ୍ୟାରେ। ଆପଣଙ୍କର ତାର ଛିଣ୍ଡିଗଲେ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ପବନ ହେଉଛି, ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ନର୍ମାଲ ଅଛି। ଲୋକମାନେ 45 ଡିଗ୍ରୀ 46 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ 10 ପାଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲାରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଉପକୂଳରେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଳୁଗୁଳିରେ। ଏବେ ରଜ ଚାଲିଛି, ରଜରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ପହଞ୍ଚୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାୱାର କଟ୍ ହେଉନାହିଁ, ହବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ନାହିଁ, କେବଳ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ, ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ଲୋକ କହୁଛି ସେଇ କଥା। ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବାତ୍ୟା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ସମୟ ସରିଛି ଆଉ ଦିନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏହି ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ୟା ତ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ତୁଟିଯିବ ବୋଲି। ସମୟ ତ ଆଜ୍ଞା ସରି ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ତିନି ଜଣ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଜି ରୋକଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପାୱାର କଟ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସରକାର କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାର ଜବାବ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାଗୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ତାର ଉତ୍ତର ବି ରଖିବେ କି ସରକାର। ରୋକଠକରେ ସମୟ ସରିଛି, ନମସ୍କାର।